हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋतु गोयल्स किचन। आज कुछ नया बनाते हैं, राजस्थानी बनाते हैं। तो आज मैं आपको बाजरे की खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी। ठंड में जरूर खाना चाहिए, बाजरा बहुत फायदा करता है। सब बनाते होंगे लेकिन सबका तरीका कुछ कुछ अलग होता है। आज मैं मेरे स्टाइल में आपको बाजरे की खिचड़ी बताऊंगी, तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने बाजार से खिचड़ी का बाजरा लेके आई हूँ। बहुत आसानी से आजकल बाजार में मिल जाता है कुटा हुआ। इसको कूट के इसका छिलका हटाया जाता है। घर में हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन आजकल बाजार में फ्रेश मिल जाता है। मेजरमेंट से मैंने 2 कप बाजरा लिया है और इसको एक थोड़ी सी प्लेट में फैला के हमें पहले डालना है। तो ये 1 कप हो गया, 1 कप और मैं मेजर करके लूंगी। आप मेजरमेंट से लेंगे तो आपको बनाने में ईजी होगा। ये देखिए, मैंने मेजर कर रखा था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताने के लिए कि कप से ऐसे आप मेजरमेंट करिए और प्लेट में डाल दीजिए। अब मैं इसमें घी डालूंगी, क्योंकि मैं घी पहले ही मिक्स कर लेती हूँ बाजरे में। इससे मैं फैला के पूरे में घी डालूंगी। 1, 2, 3 और 4 टेबलस्पून घी डाल के फिर इसको बहुत अच्छे से हाथ से हमें मिक्स करना है ऐसे। ये देखिए, मैंने हाथ से मिक्स किया है तो एक एक दाने पे बाजरे पे घी आ गया है। तो ऐसे ही हमें करना है। ये 2 कप बाजरा है और आधा कटोरी मैंने चौले की धुली दाल ली है। इसमें मूंग की दाल भी डालते हैं लोग, लेकिन चौले की दाल से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये मैंने वॉश कर ली है। आधा कप मैंने चौले की दाल ली है। हमें थोड़ा डीप भगोना लेना है और हैवी लेना है, जिससे कि चिपके नहीं तले पे। अब देखिए, इसमें मैं सबसे पहले पानी डालूंगी। अब हमने 2.5 कटोरी हमारा सामान हो गया, 2 कटोरी बाजरा और आधी कटोरी दाल। तो इसमें मैं पानी डालूंगी। भगोना मैंने गरम कर लिया था। अब ये 2, 3, 6 कप पानी डाला अभी मैंने। इसको ढक देंगे और बॉईल आने देंगे। देखिए, पानी में बॉईल आ गया है। अब मैं ये जो धुली हुई चौले की दाल है ये मिला दूंगी इसमें पहले। अब मैं इसमें बाजरा मिला दूंगी, जो मैंने घी मिक्स किया हुआ बाजरा था। बहुत ही आसान है बाजरे की खिचड़ी बनाना। बस आप ये रेशियो का ध्यान रखिए तो बहुत टेस्टी खिचड़ी बनेगी। जैसे कि आप शादियों में और बाहर खाते हैं, एकदम वही टेस्ट की खिचड़ी आपको। बस अब इसको हमें थोड़ी देर तो चलाते रहना पड़ेगा, जब तक कि इसमें बॉईल नहीं आ जाता। तो इसमें नीचे लगने का डर होता है, तो अच्छे से बाजरा जब तक फूल नहीं जाता हमें इसको चलाते रहना है। देखिए, मेरे को 10 मिनट हो गए इसको चलाते हुए। मैंने थोड़ा हैवी वेसल लिया है, इसलिए मैं थोड़ा बीच बीच में छोड़ भी सकती हूँ। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसके तले पे ना ये लगे नहीं बिल्कुल भी। अब ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है। मैंने थोड़ा पानी कम डाला है, क्योंकि मुझे इसमें दूध ऐड करना है। ये एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है, दूध हर कोई ऐड नहीं करता है, लेकिन दूध ऐड करने से इसका फ्लेवर डबल हो जाता है। देखिए, मैंने बड़ा बर्तन आपको इसीलिए कहा था कि अब इसके छींटे उछलने लग गए हैं, गर्म लग सकते हैं। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। ये देखिए, अब ये गाढ़ी हो गई है काफ़ी। अब मुझे इसमें दूध ऐड करना पड़ेगा। ये मैंने मेजर करके जग में 4 कप दूध डाल लिया था। ये मैं इसमें डालूंगी। चलाते रहिए और दूध डाल के एकदम इसको मिक्स करते रहना। देखिए, मैंने सारा दूध इसमें ऐड कर दिया है। अब ये एकदम लिक्विड लग रहा है, लेकिन इसको पकने में टाइम लगता है, क्योंकि हमने कुकर में विसल तो ली नहीं है। तो अभी 15 मिनट इसको पानी में पकाने के बाद फिर मैंने दूध डाला है। अब कम से कम आधा घंटा तो और इसको पकाना पड़ेगा। अब आप इसको थोड़ी देर ढक सकते हैं और बीच बीच में आप इसको चलाते रहिए। देखिए, मुझे 15-20 मिनट तो दूध डालने के बाद हो गए पकाते हुए। बहुत छींटे इसमें आते हैं। मैं सिम करके एक बार आपको दिखा देती हूँ, नहीं तो इसको ढकना ही पड़ता है बार बार।
अभी इसमें दाना फूलने लग गया लेकिन पूरी तरह नहीं फूला है, तो अभी 10-15 मिनट और लगेगा। खिचड़ी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आपको इसके साथ कुछ और बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये इतनी फिलिंग होती है और सर्दी में इतनी फ़ायदेमंद होती है। देखिए अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, ये देखिए गाढ़ी भी हो गई है और दाना भी पूरा फूल गया है। अब ये रेडी है, मैं गैस को बंद कर रही हूँ और इसको मैं अब 15 मिनट के लिए ढक दूंगी, तो ये जो स्टीम इसमें डेवलप होगी उससे पकेगा तो बहुत अच्छा इसमें टेक्सचर आ जाएगा। रेडी हो गई हमारी बाजरे की खिचड़ी, अब बहुत यम्मी लग रही है, टेम्पटिंग लग रही है। इसको घी बूरा और गुड़ के साथ खाइए, मज़ा आ जाएगा, ठंड में आपकी बॉडी में गर्मी आ जाएगी। और देखिए मैंने घी आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसके बाद और घी नहीं डाला है। अब इसमें बीच में आप स्पेस करिए, खूब सारा इसमें घी डालिए और फिर इसको बूरा या गुड़ जिससे भी आपको खाना है खाइए, एंजॉय करिए। तो दादी माँ के नुस्खे में से कुछ स्पेशल बताऊँ, आजकल कोविड चल रहा है तो सैनिटाइजर का यूज तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हम कुछ भी करते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी छू रहे हैं, तुरंत अपने हाथों में सैनिटाइजर लगा लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो कितना नुकसानदायक है, कितना हार्मफुल है। उसमें आपको पता हो तो सैनिटाइजर में जो ट्राइग्लोक्साइन केमिकल होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, जैसे ही हम हाथ में लेते हैं तुरंत सैनिटाइजर अब हमारे हाथों से चला जाता है, वो हमारी स्किन में चला जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है और फिर वो इरिटेट करता है स्किन को, स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो हमें सैनिटाइजर यूज़ नहीं करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए सोप से। सैनिटाइजर सिर्फ इमरजेंसी के लिए होना चाहिए, रेगुलर यूज़ के लिए नहीं। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूज़फुल है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।